मुस्लिम उमा लीडर्स लैंड कर रहे हैं भारत में। मुस्लिम उमा के लीडर्स को लैंड करना चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम भारत के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान भारत और मलेशिया के बीच कई समझौते हो सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इज मेरे दोस्ती, नॉट ओनली इज प्राइम मिनिस्टर बट इज माय ब्रदर। पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा को हमेशा रिप्रेजेंट करता है, मुस्लिम उम्मा का एक झंडा बुलंद किया हुआ है पाकिस्तान ने, लेकिन मुस्लिम उम्मा लीडर्स लैंड कर रहे हैं इंडिया के अंदर। तो जिस अंदाज से बात शुरू की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नमस्कार, ये इब्राहिम अनवर इब्राहिम के अल्फाज हैं, ये बेसिकली ही इज विनिंग देम, ठीक है जी, मेरे दोस्त हैं। हमारे लिए भी ये बड़ा बहुत बड़ा नुकसान है कि अब आप कह रहे हैं यूएई ने स्टेटमेंट दी, मुसलमान मुल्कों ने स्टेटमेंट दी है, 7 मुसलमान मुल्कों ने मोदी साहब को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पहले दिए। बिल्कुल, अब पाकिस्तानी कैसे इस चीज को हजम कर रहे होंगे, डाइजेस्ट के एक हिंदू रियासत है, वहां पे हिंदू मुल्क है, अब मुसलमान इंडिया को ब्रदरली कहेंगे, मतलब हमें वो भूल गए हैं। इंडिया की हमें डिप्लोमेसी नजर आती है और इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत वो कौन सा कंट्री है देखें, यानी मुस्लिम उम्मा के कंट्रीज भी और दूसरे कंट्रीज भी, सुपर पावर्स भी, सबके सब हमें नजर आते हैं कि भारत के सबके साथ एंगेजमेंट इस वक्त हो रही है, तो सभी लैंड करते हुए नजर आ रहे हैं इंडिया के अंदर। और मुस्लिम उमा लीडर्स लैंड कर रहे हैं भारत में। मुस्लिम उमा के लीडर्स को लैंड करना चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम उमा को हमेशा रिप्रेजेंट करता है, मुस्लिम उमा का एक झंडा बुलंद किया हुआ है पाकिस्तान ने, लेकिन मुस्लिम उमा लीडर्स लैंड कर रहे हैं इंडिया के अंदर। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर इंडिया पहुंचे हैं 3 डे विजिट पर, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम साहब को सेरेमोनियल वेलकम किया है राष्ट्रपति भवन में। अब मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर वहां पर पहुंच गए हैं आज, और जो मलेशिया और इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो तो है ही अपनी जगह पर, लेकिन खास तौर पर इस वक्त ये विजिट कितना सिग्निफिकेंट है और इसकी क्या स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, ये हम आपको बताएंगे अपने आज के प्रोग्राम में। ये देखिए जनाब, आप जरा जो नरेंद्र मोदी साहब है उन्होंने अनवर इब्राहिम साहब को बहुत जबरदस्त तरीके से वेलकम किया और बहुत उनको जो है एक बड़े लेवल पर ये रिसेप्शन दी गई है, और फिर जो कैबिनेट मेंबर्स हैं मोदी साहब के वो भी वहां पर मौजूद थे। लेकिन देखिए ये विजिट जो है ये इसलिए भी बहुत अहम है कि जी कहा ये जा रहा था कि मलेशिया कुछ थोड़ा सा क्लोज हो रहा था चाइना के, ये चाइना कोशिश ये कर रहा था कि मलेशिया को करीब लाए। देखिए जो मलेशिया के हैं ये काउंटर पार्ट अनवर इब्राहिम, वो उनसे मिले हैं दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में, और ऑफिशियल एक सेरेमनी जो हुई है उसमें ज्वाइंट स्टेटमेंट भी सामने आई है जिसमें नरेंद्र मोदी साहब ने उनको वेलकम किया है, और इसके अंदर डिजिटल टेक्नोलॉजी से लेकर बहुत सारी डील्स हैं जो इंडिया और मलेशिया के दरमियान होने लगी हैं। तो पाकिस्तान कहाँ है, वो इसलिए कि पाकिस्तान देखिए मुस्लिम उम्मा की जब आप बात करते हैं तो पाकिस्तान तो इस तरह हमें नजर आता है कि सारी मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं वो, चले लीडर ना भी हो तो लीडर तो कहते हैं ना सऊदी अरेबिया, तो वाइस लीडर नजर आते हैं हम ये कह लें, लेकिन जो मलेशिया उसके लीडर वहां पर उतर रहे हैं। वैसे तो मैं देख रही थी मलेशिया की जो मुस्लिम आबादी है 63-64% है, बाकी और बहुत सारी वहां पर माइनॉरिटीज मौजूद हैं, हिंदूज हैं, बुद्धिज्म वहां पर है, लेकिन मलेशिया को तो पाकिस्तान इसी तरह समझता है कि ये तो अपना भाई है क्योंकि मुस्लिम कंट्री है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुस्लिम कंट्रीज भी जो है बहुत दूर है आपसे। अच्छा वैसे मलेशिया के मेरे ख्याल महातीर मोहम्मद 2019 में पाकिस्तान गए थे, लेकिन जो 70s में एक बात कही जाती थी कि पाकिस्तान और मलेशिया के बड़े अच्छे रिलेशन है और भी कुछ और कंट्रीज के, इस तरीके से पाकिस्तान वो वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री था जिसने मलेशिया को रिकॉग्नाइज किया। मलेशिया के वजीर आजम साहब जो हैं वो इस वक्त इंडिया के अंदर, और मजे की बात यह है कि उन्होंने ये कहा है कि इंडिया और मलेशिया टू ब्रदरली नेशंस हैं। दिस इज व्हाट मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने सेइंग। अब पाकिस्तानी कैसे इस चीज को हजम कर रहे होंगे, डाइजेस्ट के एक हिंदू रियासत है, वहां पे हिंदू मुल्क है, अब मुसलमान इंडिया को ब्रदरली कहेंगे, मतलब हमें वो भूल गए हैं, हमने तो हम इकट्ठे हैं दुनिया, वो आप कश्मीर इशू को भूल गए हैं आप ये एंड वो। द क्वेश्चन इज दैट हाउ द वर्ल्ड फास्टली इज चेंजिंग एंड हाउ वी हैव टू कोप अप विद दिस। अब
अनवर इब्राहिम जो हैं वो जब पहुंचे हुए हैं तो वो जवाहरलाल नेहरू का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है जी। और उन्होंने जो जिस अंदाज से बात शुरू की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नमस्कार, ये इब्राहिम अनवर इब्राहिम के अल्फाज हैं, ये बेसिकली ही इज विनिंग दम, ठीक है जी, मेरे दोस्त हैं। और उन्होंने कहा कि नरेंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेरे दोस्त हैं, जैसे नरेंद्र मोदी को आदत है ना हक शक करने की, खुलियां जफियां पान दी, मतलब उन्होंने कहा ठीक है ये मतलब खुल्ला डुल्ला बंदा है तो खुलदास से बात कर रहे हैं। और मजे की बात है दोनों मुल्क एक ही बात कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। मैं आप पूरा बताता हूँ कि किस तरह इंडिया मलेशिया अपने ताल्लुकात को वो कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया जो 2025 की चेयर उसके पास है तो वो है। अब इंडिया क्या कहता है, इंडिया कहता है जी कि मलेशिया तुम्हारा इंडो पैसिफिक में पार्टनर है। बेसिकली नरेंद्र मोदी साहब वॉशिंगटन को मैसेज दे रहे हैं दैट आई एम वी आर लुकिंग द रीजन फ्रॉम एन इंडो पैसिफिक रीजन, वन थिंग। सेकेंडली इंडिया को ये जो नॉमिन क्लेचर है, मैंने इसके ऊपर पहले काफी बात की हुई है, नॉमिन क्लेचर मीन्स के जो नाम दिया जाता है। अब जो इंडियन ओशन को इंडो इंडियन ओशन कहेंगे और इंडो पैसिफिक ये कहते हैं, तो इंडिया फील करता है कि आर स्टेचर गेट्स ग्लोबल, हमारा स्टेचर इस से ग्लोबल है। और अब हो ये मलेशियन यूनिवर्सिटियों के लिए के अंदर इंडिया के लिए चेयर्स एस्टैब्लिश हो रही हैं। इंडिया जो है वो अपने यूपीआई को कोलैबोरेट करेगी अपने मलेशिया के जो काउंटर पार्ट है उनका, वहां पे जो करेंसी का सिस्टम है, ठीक है जी। स्टार्टअप अलायंस नरेंद्र मोदी और वो बनाने जा रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। कहाँ आ गया पाकिस्तान, कहाँ, क्या मलेशिया कभी पाकिस्तान की बात करेगा? ज्यादा सोचने वाली बात ये है कि जो एक हमारे पास स्टांस था कि भाई ये नॉन मुस्लिम के खिलाफ साजिश हो रही है, नॉन मुस्लिम हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, हम एटॉमिक पावर हैं इसलिए दूसरे कंट्रीज हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, अब वो भी स्टांस खत्म हो गया। मतलब अब तो मुस्लिम कंट्रीज भी हमें कहने लगे हैं कि भाई ये दहशतगर्दी के वो कंट्रोल करो, ये बड़ी फिक्र वाली बात है। देखिए पाकिस्तान के अंदर पहले जब भी जो चीज जब भी मैं कहता हूं कि कोई सिलेंडर फटे तो कह देते हैं रा इन्वॉल्व है, मुसाद इन्वॉल्व है इसके अंदर। कोई गैस का सिलेंडर फटता है किसी रेस्टोरेंट में, किसी चौक में, कहते हैं कि ये लग रहा है कि इसराइल ने साजिश की है, रा ने साजिश की है, क्योंकि उन्होंने किसी ना किसी को ब्लेम करना होता है स्वाय अपने आप को। कहते हैं कि जी हमने कौम को तोहफा दिया है कर्ज का, तो अब उनसे कराई इन्वेस्टमेंट ताकि आपको आपके ऊपर प्रेशर आ सके, और वही प्रेशर उसके रिजल्ट में आज यूएई ने कहा है कि अपने इन चीजों को रोका जाए, इनको देखा जाए। लेकिन मैं समझता हूं कि अब आप कह रहे हैं यूएई ने स्टेटमेंट दी, मुसलमान मुल्कों ने स्टेटमेंट दी है, 7 मुसलमान मुल्कों ने मोदी साहब को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पहले दिए, आपको पता होगा ये आज की बात नहीं है, दर्जन से ज्यादा कंट्रीज ने उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए हैं जिनमें मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज हैं। आपने आज तक, आज की डेट तक किसी पाकिस्तानी लीडर के मुंह से सुना है मेक इन पाकिस्तान? आपने किसी लीडर्स के मुंह से सुना है लेट्स डिजिटाइज पाकिस्तान?